तृणमूल कांग्रेस छात्र संगठन को सभापति विरुद्ध एसएफआई अनि भाजपा द्वारा बागडुंडा थाना में ज्ञापन पत्र चढ़ाइएको छ। केटीवी समाचार का सरप्राइज वार ओभर दी अल्टिमेट क्लोथिंग स्टोर नियर मोटर स्टैंड एंड सिके चौक कालिम्पोङ ओसीएस कालिम्पोङ वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रॉड मोटर स्टैंड कालिम्पोङ हिमालयन शॉपिंग 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ नॉर्थ बेंगल को आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन डीपीएमआई सिलीगुड़ी इंडिया लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कैपिटल यूनिवर्सिटी जोरथांग साउथ सिक्किम एडमिशन ओपन फॉर द सेशन 2024-25 तृणमूल कांग्रेस छात्र संगठन को सभापति तन्नई तालुकदार विरुद्ध नौकरी को लालच देखाएर युवतीलाई शारीरिक शोषण गरिएको अभियोग लागेको छ। यसै विषयलाई लिएर मंगलबार एसएफआई अनि भाजपा कार्यकर्ताहरूले क्रमै रूपमा बागडुंगरा थाना प्रभारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। यस विषयमाथि एसएफआई दार्जिलिङ जिल्ला सम्पादक अंकित दे अनि भाजपा युवा मोर्चा दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष अरिजित दासले अधिक जानकारी दिएका छन्। अब सभी लोग जानते हैं टीएमसीपी का जिला का प्रेसिडेंट तनय तालुकदार, उसके नाम पर बहुत गंदा इल्ज़ाम हम लोग का कल रात को हम लोग सुने। एक महिला को जो चाकरी देने का नाम देकर वो तनय तालुकदार उसको गंदा मैसेज किया, तो हम लोग आज आए हैं इधर में। इस घटना के प्रोटेस्ट में हम लोग डेपुटेशन दिए थाना में, थाना का जो ओसी है उसके साथ में हम लोग बात किए, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से डिमांड किए जल्द से जल्द उसके खिलाफ़ में सुआ मोटो मामला करके उसके खिलाफ़ में व्यवस्था ग्रहण करने के लिए ये लोग हम लोग का बात बोले। हम लोग प्रशासन की तरफ से कोई प्रशासन टीएमसी का जो सेकेंड टीम है ये पुलिस और प्रशासन हम लोग जानते हैं ये सब, फिर भी हम लोग ये पुलिस प्रशासन के ऊपर में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसके खिलाफ में व्यवस्था ग्रहण करना पड़ेगा। अगर जो पीड़ित है पीड़ित को नहीं मिला तो क्या रहेगा? तो हम लोग तो रास्ते में उतर के तो पहले दिन से हम लोग प्रोटेस्ट में हैं, फिर हम लोग रास्ते में उतरेंगे जितना दिन में इस घटना का तदंत नहीं होता। अंकित दे सभी का जिला संपादक। आज जो है आप लोगों का बागडोरा थाना में उपस्थित, क्या बात है? देखिए बागडोरा थाना में जो घटना घटा है, बागडोरा में टीएमसीपी के जो जिला अध्यक्ष है तनय तालुकदार, उसके नाम पे एक कड़ी आरोप है कि वो नौकरी देने के जो बात किए थे एक लड़की से, और उसके साथ सहवास का भी अभियोग था। ये अभियोग में अभी जो घटना है एक एफआईआर तो बना था, लेकिन जो अभी बात करने को बाद जो पता चला कि पूरा एफआईआर को टेम्पर किया गया है। और किस तरह से बोले तो आप मतलब ज़बरदस्ती उसको मतलब डाउन किया गया है, जो मैटर है मैटर को इतना स्ट्रांग नहीं रखा है, तो इसमें पुलिस का भी विषय है और लोकल टीएमसी का भी एक विषय है कि ये लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर में रखा है जो अभियोग किया है। इसके लिए जो एफआईआर है, एफआईआर में नॉन बेलेबल सेक्शन नहीं है, बेलेबल सेक्शन है, इसके चलते ये लोग छोड़ दिया है नोटिस देके। लेकिन हम लोग ये डिमांड किए हैं कि इसको पूरा जाँच करें,
और जांच करके इसको कड़ी से कड़ी सजा दी, नहीं तो बागडोगरा में जो स्थिति अभी ये जो शुरू हुआ है ये आने वाले दिन में ये सुविधाजनक नहीं है, स्वस्थ परिस्थिति नहीं है, तो इसको सही बनाना पड़ेगा। रात को ही जो कंप्लेंट पाने के बाद जो रात को ही उनको गिरफ्तार किया गया था, मगर उनको जो है यहाँ पे रखा नहीं गया, क्या कारण था, क्या कहेंगे? अभी पुलिस बोल रहे हैं कि जो FIR बना है उसमें बेलेवेल सेक्शन के ही अभिजोग आया है, मतलब अभिजोग जो है, जो कंप्लेन है, कंप्लेन बहुत मतलब बिलो लेवल का कंप्लेन है, उतना स्ट्रॉन्ग कंप्लेन नहीं है, हल्का मुद्दा से कर दिया है, तो हम लोग ऐसे मान रहे हैं कि ये टैम्पर्ड हुआ है, मतलब इसको ऊपर से प्रेशर दिया गया है। अभी आप लोग का मांग क्या है? हम लोग मांग किए हैं कि जैसे भी प्रेशर बिल्डअप होता है TMC के तरफ से, वो बिना प्रेशर को ना देख के कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए करें इसके विषय में। आपका परिचय? मेरा नाम अरिजीत दास, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद।